medical team has also reached with the media. This is incident commander reporting from the incident site. आप सबको दिखाया जा रहा है कि ये अर्थक्वेक आने से कैसे बचना है, कैसे एक्शन लेना है, आप सबको तो आप सबको दिखाया जा रहा है। कंट्रोल रूम लिब्रा 50 बॉल 27 रिपोर्टिंग। अभी एक विक्टिम को एम्बुलेंस पे डाल के इंसिडेंट साइट मार्केट एरिया से मेडिकल कैंप ले जा रहे हैं। दिस इज गोल 27 रिपोर्टिंग। ऊपर पूरा बंद करने तक। हाँ जो भी बोल रहा फोटो बोल स्केल में हमारा मेडिकल भी तहस नहस हो चुका है, तो उसके चलते हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स भी मलबे में दबे पड़े हैं, जिसको रेस्क्यू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के रेस्क्यू टीम यहाँ आया हुआ है। एनडीआरएफ के पुलिस पर्सनल्स के, एपीपीपी के और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के और मेडिकल एड टीम अन्य डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है और अंदर पे बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट्स अंधे में मलबे पे दबे पड़े हैं और यहाँ से हमको रेस्क्यू करके मेडिकल यहाँ से रेस्क्यू करके हमको टेम्पररी मेडिकल कैंप जो हायर सेकेंडरी स्कूल के ओपन ग्राउंड बास्केट ग्राउंड में बनाया है, बास्केटबॉल ग्राउंड में, वहाँ में हमको रेस्क्यू करके जाना है। अभी एम्बुलेंस आए हुए हैं और हम अभी टीम को रेस्क्यू करके मेडिकल यहाँ से डॉक्टर्स नर्सेस और पेशेंट्स को रेस्क्यू करके हम वहाँ लेके जाएंगे। हमारे शिक्षक अध्यापक गण और कई छात्राएं इस मलबे पे दबे पड़े हैं और अभी रेस्क्यू टीम हमारे एनडीआरएफ के टीम, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट के इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम यहाँ पे पहुंच चुका है। मलबे से बहुत सारों को रेस्क्यू करना है और जितने के जान बचा सकते हैं आप बचाएंगे। आराम से आज सुबह 9 बजे भूमिकंप आया हुआ था हमारे लोंगडिंग टाउन में। रिश्तर स्केल पे 8.7 था, सिस्मोलॉजी द्वारा बताया गया। एपिसेंटर यहां से कहीं बहुत ही पास में बर्मा में हुआ था, जिसके चलते हमारा लोंगडिंग टाउन बहुत तहस नहस हो गया, जिसके चलते हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के कहीं अध्यापक और शिक्षक भी मलबे में दबे पाए गए। लेकिन हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के
दीप्रो साहब जो अपने ऑफिस पे डक होल्ड और कवर का एक्शन करते हुए उन्होंने मलबे से खुद को दबने से बचाया। अब हमारे दीप्रो साहब आप सभी को डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि किस तरह मलबे में दबते हुए आप भूमिकंप को आते समय में उन चंद सेकंड्सों में अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से डक कवर होल्ड करके बचा सकते हैं। आपको टेबल बेंच या कुर्सी या बेड उसके अंदर में खुद को एक सुरक्षित जगह पर आप डक कवर होल्ड करना है। वहां से जब अर्थक्वेक का सेकिंग खत्म हो जाएगा तो अपने ऊपर में बुक्स या बैग्स या कुछ भी लेके आप निकल सकते हैं ताकि ऊपर से गिरने वाले मलबे आपके ऊपर ना पड़े। हम लोग जो लॉन्गडी डिस्ट्रिक्ट है जोन 5 ऐसा है जो सबसे हाईएस्ट रिस्क होता है, 1 से लेकर 5 तक होता है, तो हम लोग 5 में है। उसका मतलब 8 कभी भी आ सकता है। और हम लोग का जो 8 का जो सिग्नेचर था उसका मतलब 8.7 का हम लोग का रिस्टर स्केल में 8 आया है। तो उस अगर इस तरह का 8 आता है, इतना मैग्नीट्यूड का अगर 8 आता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, बिल्डिंग गिरेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जब चेकिंग होता है आप लोग दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ेगा तो आप गिर जाएगा। तो क्या करना है जब चेकिंग हो रहा है तो इस तरह का डक कवर एंड होल्ड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या सेव करना, अपना सिर को सेव करना है। यहाँ पर यह देखो सिर को अंदर घुसा दिया, इसके बाद में उसने ये होल्ड किया, होल्ड इसलिए किया क्योंकि ये सेक हो रहा है, ये हिलेगा ना जहाँ तक चला जाएगा, इसलिए इसको होल्ड करना है और डक करके इसे अंदर में बैठना है। जब रुक जाएगा तब आप लोग आपका सबका सेफ सेफ जगह है, ये जो बास्केटबॉल जो ग्राउंड है आपका, इस तरह का ओपन जगह में आप लोग निकलना है। तो इसके बाद में हम लोग अभी जैसे आप यहाँ से हम लोग का अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आया है, पुलिस डिपार्टमेंट आया है, फायर इमरजेंसी सर्विस आया है, इसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट आया है, इस तरह का हम लोग आएगा आके आप लोग का जो भी इंजुरी हुआ है जिसका भी कुछ तकलीफ हुआ है हम लोग आपको हम लोग अपना सर्विस देगा आपको। तो इसको बोलता है डक कवर एंड होल्ड, नहीं बोलना है इसको, ठीक है? अपना घर में भी बहन लोग को माँ पिता लोग को बताना है, विक्टिम है, इंजुर्ड है, उन लोग को इस अर्थक्वेक इफेक्ट का विक्टिम इंजुर्ड लोग को रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू करके मेडिकल में भेजा गया है। मोस्ट ऑफ द रेस्क्यूड विक्टिम्स आर नाउ इन द हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से चल रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ में स्टेजिंग हाथ में रिलीफ कैंप में सब पहुँच गया, सही सलामत हम लोग काम किया है। इसी तरह अब लोग असली अर्थक्वेक होने से भी, असली इमरजेंसी यानी कैलामिटीज होने से भी इसी तरह आप लोग काम करना चाहिए। हमेशा आप लोग ये याद करना है, हाँ असली अर्थक्वेक होने से भी यानी कैलामिटीज होने से भी यही काम करना है बोल के आप लोग पर्टिकुलरली वॉलंटियर्स लोग स्टूडेंट्स लोग उसको याद करके हमेशा अलर्ट में रहना है और हमेशा रेडी होना है कि आप ऐसा सिचुएशन में मैं आगे आगे काम करेगा। Today was an exercise to improve your readiness in case an actual disaster takes place. The disaster that was done, that the mock drill for which was done today was the earthquake, and the response has been great by all the responsible people here. And I would like to congratulate all the people involved in the mock drill exercise for a very very successful mock drill exercise. Control room. May call back every handset that was provided to the officers for this mock drill. Control room may close in, and right now we will be dispersing for lunch. Our Sarah Papa and our Delta Charlie, DC sir and SP sir have briefed on the mock drill exercises and have congratulated everyone who have participated, and they have asked us to be prepared for any eventualities that would be happening in the future. Having said that, we close the operation. Thanks one and everyone from the office of the Deputy Commissioner, District Disaster Management Authority, and the security personnel, SP office, Longding District. Thank you, everyone.